दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हूँ। दोस्तों आज मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में पहला चैप्टर है अगर शहद पाना है तो मधुमक्खी के छत्ते पे हमला मत करो। इसकी एक लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे खुद में बदलाव और सुधार लाना चाहिए? अगर आपका कहना है कि हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे खुद में बदलाव और सुधार लाना चाहिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसकी शुरुआत खुद से क्यों ना की जाए। जैसे किसी और को बदलने से पहले हम इसकी शुरुआत खुद से क्यों नहीं करना चाहते। एक स्वार्थी नजरिए से किसी और में सुधार लाने से ज्यादा फायदेमंद होगा कि जब हम खुद में बदलाव लाएंगे। हाँ, कम खतरनाक भी होगा ये। इस चीज से हमें यह सीखना है कि जब भी जरूरत हो सबसे पहले खुद में सुधार लाया जाए और तब दुनिया को बदलने का प्रयास किया जाए। क्योंकि पड़ोसी के छत पे पड़े बर्फ की शिकायत करने से पहले ज्यादा जरूरी है कि अपने दरवाजे पे जो गंदगी पड़ी है उसको हटाया जाए तो काफी बेहतर होगा। क्योंकि जब हम दूसरों की शिकायत करने जाते हैं तो दूसरे हमारा दुश्मन बनने का चांसेस है, जबकि खुद में सुधार लाया तो संभव है कि हम एक अच्छा इंसान बन जाए। और इस बुक की एक और दूसरी लर्निंग जो कि दूसरे पैराग्राफ में है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ ऐसा है कि तुम्हारी बुरी आदतों से आती है। यानी कि जो इंसान कुछ अच्छा नहीं सीखता उसे कभी भी उसके पास अच्छाई नहीं चल के आती। यानी कि जो भी इंसान की बुरी आदतें हैं वो उसके बुरी आदतों की वजह से आती है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसके दिमाग में बुरा ही फीड होता है, तो उससे निकलने वाले जो थॉट है वो वैसे ही होंगे। वहीं पर अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपके थॉट जो है वो माइंड में जो फीड है अच्छी चीजें उससे ही रिलेटेड आएंगे। यानी जब भी हम अपने दिमाग में कुछ भी इनपुट डालते हैं तो इस चीज पे स्पेशल फोकस करने की जरूरत है कि हम अच्छी चीजों को इनपुट करें। क्योंकि जब तक अच्छा इनपुट नहीं करेंगे वो प्रोड्यूस अच्छा नहीं होगा, तो आउटपुट के अच्छा निकलने का चांसेस कम रहता है। बहुत बार होता है कि हम गलत चीजें सुनेंगे देखेंगे तो उसी से हमारा रिलेटेड दिमाग में थॉट चलेगा, उसी से रिलेटेड जब हमारे को बोलने को आएगा तो वो एक्शन में आएगा। यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्योंकि ये जो बुरी आदतें हैं वो बुरी आदतों से ही बढ़ती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप अगर अच्छी आदतें रखोगे तो आपके आसपास बुरी आदतें आएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप बुरी आदतें हमेशा यूज करते जाओगे और ये सोचोगे कि आपको अच्छी आदतें लग जाए। यानी जो चीज हम सीखते हैं उसी से हमारी आदतें आगे बढ़ती है। यानी अगर हम अच्छा चीज सीखेंगे तो अच्छी आदतें डेवलप होंगी, बट अगर हम अच्छा चीज नहीं सीखेंगे तो जो हमारे यहाँ माइंड में स्टोर है उसी से रिलेटेड थॉट आता है, उसी से रिलेटेड हमारा एक्शन होता है और उसी से रिलेटेड हम काम कर पाते हैं। तो जरूरत क्या है कि अच्छी चीजों पे फोकस किया जाए और बुरी चीजों को दरकिनार किया जाए। हमें चूज करना है कि हमारे दिमाग में क्या फीड करना है। अच्छी चीजें फीड किया अच्छा प्रोसेस होगा और अच्छे थॉट आएंगे। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से आती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे पास अगर अच्छी आदतें हो तो बुरी आदतें आएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये थॉट आपको किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।